सो एक्चुअली वी कंप्लीटेड सेप ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल इन द लास्ट लेक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द p एंड d ऑर्बिटल फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट. बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 2p ऑर्बिटल विथ l इक्वल्स टू 1 इज सोन इन द फिगर. देखो, हमने यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शंस के थ्रू देखा था कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन साई फॉर 1s एंड 2s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन साई स्क्वायर फॉर 1s एंड 2s. एक्चुअली द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर गिव अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. सो ये हमने यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, फिर कॉन्टर वगैरह पुट किया था. 90% प्रोबेबिलिटी कवर हो जानी चाहिए, वैसी सरफेस हमने डिसाइड की थी, इफ यू रिमेम्बर. यस और नो? सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर अचीविंग द शेप ऑफ, वी आर अचीविंग द डिटेल्स ऑफ शेप ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल एंड दैट इज द स्फेरिकल. बाय सेम मैनर वी कैन फाइंड आउट, वी कैन अचीव द डिटेल्स अबाउट द शेप ऑफ 2p एंड 3p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल्स एंड इन शॉर्ट एनी p ऑर्बिटल्स. बट हम वो कंक्लूजन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं. हम सीधा जो कंक्लूजन, मतलब वो प्रोसेस नहीं करने वाले, सीधा कंक्लूजन पे जाने वाले हैं. देखो, पी ऑर्बिटल्स के लिए बाउंड्री डायग्राम यहाँ पे आपको बताया गया है. सो एज यू नो दैट द वैल्यू फॉर पी ऑर्बिटल, वैल्यू ऑफ एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर एल इक्वल्स टू 1 फॉर पी ऑर्बिटल. इफ एल इक्वल्स टू 1 देन दोस ऑर्बिटल आर नोन एज पी ऑर्बिटल. यस और नो? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एल? कॉमेंट फास्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एल फॉर एल इक्वल्स टू 1? एल इक्वल्स टू 1 के लिए एम एल के कितने वैल्यू रहेंगे? कॉमेंट फास्ट. गुड, जल्दी से कॉमेंट करो. गुड, तो दैट इज -1, 0, 1, यानी यू विल गेट थ्री वैल्यूज. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पी हैज अ थ्री टाइप्स. पी हैज अ हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स. एंड दोस टाइप इज नथिंग बट पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. एंड पी इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड दैट्स वाई 2px, 2py, 2pz. अगर 3 होता तो 3px, 3py, 3pz. 4 होता तो लाइकवाइज 4px, 4py, 4pz. सो अभी हम बेसिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और उसके तीन टाइप्स देखेंगे. देखो, ये हियर इट इज 2px, 2py एंड 2pz. 2px कब बोलते हैं? जब उसका ये जो स्पीयर है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का जो काउंटर है, विच हैज अ डम्बेल शेप, इसको हम डम्बेल शेप बोलते हैं. डम्बेल तो आपने देखा होगा ना, आप जिम वगैरह वगैरह आपको पता है, तो ऐसे डम्बेल्स होते हैं, दो साइड में लॉब्स होते हैं. यस और नो? देन वही शेप का यहां पे आपको दिखने मिलेगा ऑर्बिटल. तो ये जो डम्बेल है उसको पास करता हुआ एस एक्सिस हो, या तो फिर अराउंड द एक्स एक्सिस वो सिमेट्री कंसिस्ट करता हो, तो हम उसको 2px बोलते हैं. लाइक वाइज इसको वाई एक्सिस के अराउंड हो तो उसको 2py बोलते हैं, और जेड एक्सिस के अराउंड हो तो उसको 2pz बोलते हैं. दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस विल बी अ जेड. सो अकॉर्डिंग टू दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द पी ऑर्बिटल. इन दिस डायग्राम न्यूक्लियस इज एट द ओरिजिन. न्यूक्लियस तीनों के ओरिजिन पे है. हियर अनलाइक एस ऑर्बिटल द बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स आर नॉट स्पियरिकल. है ना, एस एस में स्पियरिकल थे, बट यहाँ पे स्पियरिकल नहीं है. इंस्टेड ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट टू सेक्शन दैट इज कॉल्ड लोब्स. है ना, जो दो बलून जैसे सेक्शन है उसको हम बोलते हैं लोब. That are on the either side of the plane that passes through the nucleus. Plane के अलग साइड पे हो सकते हैं, जैसे कि माई डियर स्टूडेंट्स, प्लान में सब में नहीं ड्रॉ करूंगा, लेकिन यहां पे मैं एक प्लान ड्रॉ कर रहा हूं. ऐसे एक प्लान होता है जो कहां से पास हो रहा है? जेड. देखो, प्लान जो है वो कौन सी डायरेक्शन में? वाई और जेड, वर्टिकल जेड और वाई. एक्चुअली मैं यहां पे जो फिगर है उसमें समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं आपको वही आइडिया लेने के लिए, कि ऐसा एक प्लान है ना. ए कौन सा एक्सिस है? ए वाला एक्सिस कौन सा है? वाई. और ए वाला एक्सिस कौन सा है? जेड. ओके, तो अल्टीमेटली एक्स एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. यस और नो? डन. चलो, अब इसके अंदर लॉब कैसे होते हैं? तो एक लॉब प्लान के इस साइड होता है ऐसे, और दूसरा लॉब ऐसे प्लान के पीछे होता है. आधा दिखेगा ना, 3D में कर रहे काम. तो समझ में आया? दोनों सेक्शन जो है लॉब के, प्लेन के अलग अलग साइड होते हैं. अब ये जो दो लॉब सेपरेट हो रहे हैं वो कौन से प्लेन से सेपरेट हो रहा है? वाई जेड. इसीलिए इसका टाइप बनेगा 2px. अगर माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे कुछ होता प्लेन, है ना, सो दिस डायरेक्शन इज एक्स,
दिस डिरेक्शन इज वाई, है ना, दिस डिरेक्शन इज वाई। अब मान लो कि लोब जो है वो ऐसे है, एक लोब ऊपर है और एक लोब ऐसे नीचे है, तो ए जो एक्सिस है वो हो जाएगा जेड। तो ये जो दो लोब है, दो सेक्शन जो है, एक प्लेन के नीचे एक प्लेन के ऊपर, वो कौन से प्लेन के अप डाउन है, तो बोलते हैं एक्स वाई। तो ए जो आपका ऑर्बिटल बनेगा दैट इज द 2πz। तो हाउ प्लेन सेपरेट द टू लोब्स, कितने लोगों को समझ में आया लोब्स को प्लेन कैसे सेपरेट करता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, कितने लोगों को समझ में आया, गुड, वेरी गुड, ओके, चलो समझते आगे। सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो ऑन द प्लेन वेयर टू लोब्स टच ईच अदर। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा, जैसे कि इसको मैं डॉटेड लाइन करके आपको बताऊं तो ऐसे लोब पूरा कंप्लीट होगा, ये दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि प्लेन के नीचे ढक रहा है, 3D व्यूज मैंने बताया। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो पॉइंट प्लेन के अंदर है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, क्या होगी, जीरो, है ना, समझते जाना, थोड़ी लॉजिकल चीजें हैं याद करके जाना हमें। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स टच ईच अदर, द साइज शेप एंड एनर्जी ऑफ थ्री ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, है ना, तीन ऑर्बिटल्स के जो शेप साइज है वो आइडेंटिकल है। तीन कौन से भाई, 2px, 2py एंड 2pz। आप देखो सब लोब थे ना, दो दो सब सेक्शन थे सबके, डम्बेल शेप था, यस, तो शेप सेम है, साइज ऑफ लोब भी सेम थी, यू कैन सी इन द फिगर, है ना, लोब इक्वल साइज के, इसका जो साइज है वही यहाँ पे, तो शेप साइज दोनों सेम है और एनर्जी भी सेम रहती है, 2px, 2py एंड 2pz, तीनों टाइप्स की एनर्जी सेम रहती है, है ना, समझते जाना। दे डिफर हाउएवर इन द वे लोब्स आर ओरिएंटेड, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो वो किस में है, ओरिएंटेशन मतलब कि अरेंजमेंट में, किसी को एक्स वाई प्लेन सेपरेट कर रहा है, किसी को वाई जेड प्लेन सेपरेट कर रहा है, किसी को एक्स वाई एक्स जेड प्लेन सेपरेट कर रहा है, मतलब कि ओरिएंटेशंस में डिफरेंट है। सिंस द लोब्स मे बी कंसाइडेड टू लाई अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसे जो लोब है उसको हम कंसाइडर कर रहे हैं अलोंग विच एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, दे आर गिवन द designations 2px, 2py and 2pz। लोब्स जो है वो अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तो इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं 2px, 2py, 2pz। इट शुड बी अंडरस्टूड हाउ एवर दैट देर इज अ नो सिंपल रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ ml माइनस वन, जीरो और वन। देखो मैंने आपको एक बार भी बताया था कि माइनस वन है तभी 2px है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये रिलेशन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट हाँ इतना है कि भाई ml के जो वैल्यू है वो तीन है तो p के तीन टाइप हो गए, लेकिन ml के कौन से वैल्यू के लिए 2px आएगा, ml के कौन से, ml मतलब समझ में आ रहा है ना, ml दैट मीन्स की विश नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ml के कौन से वैल्यू के लिए 2px होगा, ml के कौन से वैल्यू के लिए 2py होगा, दैट इज नॉट डिसाइडेड एट, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई फिक्स रिलेशन है। फॉर अवर पर्पस इट इज सफिशियंट टू रिमेंबर दैट बिकॉज देर आर अ थ्री पॉसिबल्स वैल्यू ऑफ ml, है ना, थ्री पॉसिबल्स वैल्यू ऑफ ml, दैट इज माइनस वन, जीरो एंड वन, एंड देर फॉर प्री ऑर्बिटल्स वुज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लाइक s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल्स इंक्रीज द साइज एनर्जी विथ इंक्रीज इन अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड हैंस द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड साइज ऑफ वेरियस p ऑर्बिटल इज 4p ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 2p। समझते जाना, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज बढ़ती है, और साइज और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने के बाद एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इसीलिए 2p से ज्यादा एनर्जी 3p का होगा, 3p से ज्यादा 4p का होगा। बट इन बिटवीन मान लो कि अगर हमें कहीं कन्वर्जेंस पूछ ले, मतलब कभी कंक्लूजन या शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ में पूछ ले कि भाई 5p और 2p में किसका ज्यादा होगा, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल, हम ए वाले लॉजिक पे तो काफी कम आएंगे, हमें पता है कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा उतना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा उतना एनर्जी ज्यादा, इसीलिए हम 5p को पसंद करेंगे सबसे हाईएस्ट एनर्जी में। अगर आपको ऐसा पूछ ले बेटा कि 4s और 3d में किसका एनर्जी ज्यादा, 4s एंड 3d में, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि n इक्वल्स टू 4 का ज्यादा, एक्चुअली में p में क्या था, l का वैल्यू 1 होता है, तो दैट इज सेम, इसलिए सिर्फ हमने n के वैल्यू में ध्यान दिया, बट यहाँ पे n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, यहाँ पे n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, पता है ना आपको, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो आगे होता है, और s p d f l के वैल्यू होते हैं 0 1 2 3, याद रखना है आपको, है ना, सो दिस इज द थिंग, 2 प्लस 3 5, और अब n प्लस l एनर्जी डिसाइड करेगा,
यानी 2 + 3 = 5 एंड 4 + 0 = 4, यानी कि इसमें 3D का एनर्जी ज्यादा है, बट इसमें सिर्फ n से डिसाइड कर लिया, इसीलिए n से डिसाइड कर लिया क्योंकि l सेम था, वैसे अल्टीमेटली n + l ही यूज हुआ, 2 + 1 = 3 एंड 5 + 1 = 6, तो यही बड़ा होगा। इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो शॉर्ट में कि n + l का वैल्यू जितना बड़ा उतना एनर्जी बड़ा, आगे भी हमने कंक्लूजन किया हुआ है और आगे भी हमें काम लगेगा। दिस इज द थिंग, समझते जाना, बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहेगा। फर्दर लाइक एस ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस फॉर प्री ऑर्बिटल ऑल्सो पास थ्रू द वैल्यू 0 बिसाइड एट द 0 इन्फाइनाइट डिस्टेंस एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज। ओके, समझना, जो एक तो क्या होता है, न्यूक्लियस से एकदम इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, मतलब कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, बट उसके अलावा इनसाइड रीजन में इन्फिनिटी एंड न्यूक्लियस के बीच में भी आपको कुछ ऐसे रीजन्स मिलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का डेंसिटी 0 होता है। सो द नंबर ऑफ नोड्स गिवन बाय एन माइनस टू, इसीलिए उस वक्त पी ऑर्बिटल्स के लिए, है ना, एस ऑर्बिटल्स के लिए अगर आपने अच्छे से याद कर लिया हो तो एन माइनस वन फॉर्मूला था, एस ऑर्बिटल के लिए कितने नोड है तो एन माइनस वन, इसलिए हमने बोला था भाई 1s में 0 है, 2s में 1 है, 3s में 2 है, कितने लोगों को याद है, हाउ मेनी ऑफ यू विल रिमेंबर दिस वन, यस गुड डन, चलो। बट अगर हम एल ऑर्बिटल के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, मतलब कि पी ऑर्बिटल, नॉट एल, सॉरी पी ऑर्बिटल, जैसे 2p 3p 4p 5p, तो उसमें फॉर्मूला रहेगा एन माइनस टू, यानी 2p में 0, 3p में 1, 4p में 2, 5p में 3। इन शॉर्ट हमें इतना याद होगी पी ऑर्बिटल 2p से स्टार्ट होती है, 1p इज नॉट पॉसिबल, तो 2p 3p 4p 5p 0 1 2 3 हमें इतना याद हो कि s 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो 1s 2s 3s 0 1 2 इस तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई, आया ना, जल्दी से बोलो यस और नो। ओके गुड, सो दैट इज द नंबर n माइनस टू, एंड दिस इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड्स, फॉर p अगर हम जो कोई डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं रेडियल नोड। सो 1 फॉर 3p, देखो आ गया 3p के लिए 1 एंड 4p के लिए 2, 2 फॉर 4p। L इक्वल्स टू 2, द ऑर्बिटल्स आर d ऑर्बिटल, यहां तक की बात हो गई p ऑर्बिटल, है ना, आपके रेफरेंस में ये अलग अलग थ्योरी होगी, एक्सप्लेन द शेप ऑफ s ऑर्बिटल, एक्सप्लेन द शेप ऑफ p ऑर्बिटल, एक्सप्लेन द शेप ऑफ d ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की, सो L इक्वल्स टू 2 दैट मींस द d ऑर्बिटल एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दैट वन इज 3। जैसे मैंने बताया s स्टार्टिंग फ्रॉम 1, p स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड d स्टार्टिंग फ्रॉम 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिनिमम 3 चाहिए, है ना, 2d एंड 1d इज नॉट पॉसिबल, सेंटेंस छोटे हैं लेकिन याद करके रखना। एज द वैल्यू ऑफ l कैन नॉट बी ग्रेटर देन द n माइनस 1, ऐसा क्यों, क्योंकि l का वैल्यू आपको पता है 0 से लेके n माइनस 1 था। ओके, अगर आपको l का वैल्यू 2 चाहिए ना, l का वैल्यू 2, तो n का मिनिमम वैल्यू 3 चाहिए, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा। देर आर 5 ml वैल्यूज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 5 वैल्यू आएंगे l इक्वल्स टू 2 के लिए, l इक्वल्स टू 2 के लिए आएगा माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2, माइनस l 2 प्लस l आपको सिखाया हुआ है, देन सो ऐसे 5 वैल्यू आएंगे। दस देर आर अ 5d ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स के कितने टाइप है, 5, s का 1 टाइप, p का 3 टाइप, d का 5, f का 7, दो 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 बढ़ता जाता है, हमने आगे कंक्लूड किया हुआ है, देन द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ d ऑर्बिटल्स आर सून इन द फिगर। अब यहाँ पे भी हम कोई कंक्लूजन्स, मतलब प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, सीधा कंक्लूजन देखो, यहाँ पे जो है डी वाई जेड ऑर्बिटल, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, यहाँ पे ओके सॉरी हाँ मैंने गलती की, डी एक्स वाई नाम ही पढ़ा रहा था मैंने, वैसे फिगर में सर्च आउट नहीं किया, तो ये डी एक्स वाई, तो यहाँ पे डबल डम्बेल जैसा सेप है, पी में सिंगल डम्बेल था, यहाँ पे डबल डम्बेल है। अब ये डम्बेल जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में है, ऐसा दिख रहा है आपको, ये रहा एक्स एक्सिस और ये वह वाई, तो इसलिए इसको बोल दिया गया डी एक्स वाई। ओके, ये जो डम्बेल है वो ऐसे वाई जेड प्लेन में है, ये रहा आपका सॉरी एक्स जेड प्लेन में, ये रहा आपका एक्स, ऐसे जाते हो तो एक्स एक्स को पैरेलल लाइन हुआ और ये जेड को पैरेलल लाइन हुआ ये वाला, तो एक्स जेड प्लेन में है, दैट्स व्हाई डम्बेल जब एक्स जेड प्लेन में है तो वो ऑर्बिटल बन जाएगा डी एक्स जेड। यहां पे वाई जेड प्लेन में है, यू कैन सी, है ना, ए मेरा एक्सिस है वाई एक्सिस, वाई को पैरेलल, और ए मेरा जेड एक्सिस है, तो ये वाई जेड प्लेन में है, तो डी वाई जेड, तीन टाइप्स ऐसे बने। अब बेटा ये प्लेन में नहीं है, आप देखना ये प्लेन में नहीं है, बट ये कैसे है, जैसे कि आपने एक प्लेन लिया ऐसे, ये जेड एक्सिस ऐसे वर्टिकल एक्सिस जेड, इसके साथ मैच करते जाना, ये जेड एक्सिस,
ऐसे वाई एक्सिस, ए वाई एक्सिस, तो ए वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऐसे दो साइड है, ओके, और ऐसे अंदर से एक्स एक्सिस निकल रही है। फिर आप उसी में दूसरा प्लेन बनाओगे, वैसे मतलब कि एक एक्सिस निकले, उसी में दूसरा प्लेन बनाओगे एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन से ऐसा एक लाइन निकलेगा, यानी कि किसी प्लेन में नहीं है, प्लेन के दो साइड है। बात समझ में आ रही है ना, यस और नो? जस्ट लाइक हमने जब पी को डिफाइन किया था तो प्लेन के दो साइड थे, तो यहाँ पे दो प्लेन के दो साइड है। एक प्लेन कौन सा है, वाई एक्स एक्सिस पास हो रही है, मतलब एक वाई जेड प्लेन के दो साइड है, वाई एक्सिस पास हो रही है, मतलब एक्स जेड प्लेन के दो साइड है। इसीलिए फिर इसका नाम क्या बन गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि उसमें से एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करके निकल देंगे लॉग बेस से। बात समझ में आया? मैं जस्ट आपको एनालॉजी समझा रहा हूँ, डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। इसका सेप बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये तो आपको ऐसे मतलब सैचुरेशन जो हमारा प्लैनेट सिस्टम रहता है उसके जैसा दिख रहा है, यस और नो? डन। सो देखो, अभी भी कुछ लोग जैसे कि हर्ष है, वो एंट्री मांग रहा है लेक्चर में, मैं नहीं देने वाला हूँ, अभी कोई मतलब नहीं है, तो डीने एंट्री अभी इस टाइम से मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट, टाइम टू टाइम अगर आप एंटर हो गए तो सही है, तो आपका लेक्चर स्टार्ट, बाकी टाइम टू टाइम एंटर नहीं हुए तो गए कम से, ओके चलो। सो यहाँ पे जो है दैट इज दी ए रहेगा आपका डी जेड स्क्वायर ऐसे करके, और यहाँ से एक्स एक्सिस जा रही है, तो जेड एक्स के अराउंड है, और उसके अराउंड ऐसे रिंग्स है, तो इसका सेप बन जाएगा डी जेड स्क्वायर। तो हमारे पांच टाइप हो गए, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। मैंने सेप कैसे याद रखने हैं, कैसे आपको काम करना है, उसके लिए मैंने बताया। देन यू हैव टू बी केयरफुल, है ना, क्योंकि आपको जब ये थ्योरी पूछेंगे तो आपको सेप ड्रॉ करने पड़ेंगे, है ना, तो सेप ड्रॉ करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी आपको और मुझे पता है पहली फिगर कैसे आने वाली है, अगर आप सर्वल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तब आप में उसमें परफेक्शन आएगा। बात समझ में आ रही है? देन तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, है ना, चलो गुड। द 5d ऑर्बिटल्स आर designated as dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. The shape of the first 4d orbitals are similar to each other. पहले 4d orbitals है, उनका shape जो है वो similar है. But जो fifth वाला था उसमें ring वाला structures था, वो अलग हो गया. Whereas the fifth one, dz square, is different from the others. But all the 5 3d orbitals shape भले अलग है. Last वाला जो fifth orbital है, उसका shape अलग है. लेकिन फिर भी उनकी energy same है. एनर्जी सबकी क्या है, सेम। तो जब टाइप्स होते हैं ऑर्बिटल्स के, पी के तीन टाइप्स, डी के फाइव टाइप्स, एफ पढ़ने वाले नहीं है लेकिन एफ के सेवन टाइप्स, ओके, तो एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। द डी ऑर्बिटल ऑफ द एन, सॉरी फॉर एन ग्रेटर देन थ्री लाइक 4d 5d ऑल्सो हैव अ शेप सिमिलर टू 3d ऑर्बिटल्स बट डिफरेंट इन अ एनर्जी एंड साइज। तो आपको पता है कि भाई 4d उससे ज्यादा 5d अकॉर्डिंग टू n प्रिंसिपल कंट्रोल नंबर बढ़ेगा, तो 5d का एनर्जी और शेप साइज दोनों बड़ा होगा 4d से, लाइकवाइज उसका शेप एंड साइज दोनों बड़ा होगा 3d से। बिसाइड द रेडियल नोड्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो, ओके, जैसे रेडियल नोड्स तो हमने आगे पढ़ा पी ऑर्बिटल्स के लिए, वैसे यहां पे भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो जीरो आएगा। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर एनपी एंड एनडी ऑर्बिटल आर जीरो एट द प्लेन एस पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ओरिजिन। जो प्लेन जो है न्यूक्लियस में से पास हो रहा है, ओरिजिन में से पास हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे मिलने वाले, क्योंकि न्यूक्लियस पे ओरिजिन पे तो सिर्फ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ पी जेड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन, एक्स वाई प्लेन इज विच प्लेन, नोडल प्लेन, अगर पी जेड ऑर्बिटल है तो, है ना, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये पी की बात हो रही है, पी में मैंने बात किया था ना, पी जेड कैसे बनता है, तो हमने ऐसे बोला था, ए मान लो कि ए एक्स वाई प्लेन है, तो ऐसे जेड एक्सिस में ऐसे दो साइड आपके लोब हो गए, तो ए जो पूरा प्लेन है एक्स वाई, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और दैट्स वाई पी जेड के केस में एक्स वाई प्लेन जो है वो नोडल प्लेन है। इन केस ऑफ डी एक्स वाई, ये तो पी की बात हो गई जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन इन द केस ऑफ डी एक्स वाई देर आर अ टू नोडल प्लेन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर पी के केस में सिर्फ एक ही नोड प्लेन था तो dxy में कितने नोड प्लेन पास हो गए, दो नोड प्लेन पास हो गए, दैट बाइसेक्टिंग द xy प्लेन कंटेनिंग z एक्सिस, और वो जो दो प्लेन है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और उनके अंदर कौन सी एक्सिस आती होगी, xy प्लेन है तो कौन सी एक्सिस आती होगी, z एक्सिस, है ना। दिस आर कॉल्ड एंगुलर नोड्स
एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर गिवन बाय एल। अब यहां पे दो नोडल प्लेन आते हैं डीके केस में, पीके केस में एक नोडल प्लेन आता था, पीके केस में एक नोडल प्लेन आता था, डीके केस में दो नोडल प्लेन आते हैं, एसके केस में कोई भी नोडल प्लेन नहीं आता है। देन तो यहां पे जो दो नोडल प्लेन आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स या तो फिर सिंपल एंगुलर नोड्स, और जो डिजाइन होगा जो दिया जाएगा एल से। सो वन एंगुलर नोड फॉर पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स के लिए कितना एंगुलर नोड आएगा वन, एंड टू एंगुलर नोड फॉर डी ऑर्बिटल्स, सो ऑन। अगर कोई पी ऑर्बिटल्स के लिए वन एंगुलर नोड आ रहा है तो वही डी ऑर्बिटल्स के लिए कितने एंगुलर नोड आएंगे टू, एंड सो द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय एन माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला आप लास्ट में याद रखना है, कंक्लूजन है ना। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो सॉरी टोटल नंबर ऑफ लोड जो नोड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं एन माइनस वन, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ एल एंगुलर नोड्स एंड एन माइनस एल माइनस वन रेडियल नोड्स, है ना। जैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है नोड्स के बारे में, इसीलिए थोड़ा अंदर माइंड में स्टोर करना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कंक्लूजन मैनर्स में मैं बोलूं तो वो कंक्लूजन मैनर क्या है समझ लो। कंक्लूजन मैनर ऐसा है कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड अरेंजमेंट पढ़ रहे होते हो तो कुछ ऐसे रीजियंस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का डेंसिटी जीरो होता है, उस रीजियंस को हम नोड्स बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। कुछ प्लेन मिल जाते हैं ऐसे जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का डेंसिटी जीरो होता है, उसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं। कुछ रीजियंस मिलता है एंगुलर नोड से भी डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहां पे एक्चुअली में दो टाइप्स के नोड क्रिएट होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी जीरो हो, वो होते हैं एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स। अब जो एंगुलर नोड्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी है सॉरी वैल्यू है फॉर्मूला है एन माइनस एल माइनस वन, और जो रेडियल नोड्स होते हैं एंगुलर नोड्स कितने होते हैं एल जितने, और जो रेडियल नोड होते हैं वो कितने होते हैं एन माइनस एल माइनस वन जितने। तो जब मुझे टोटल नोड चाहिए तो एन माइनस एल माइनस वन ए हो गए आपके रेडियल नोड्स, प्लस एल ए हो गए मेरे कौन से लोग एंगुलर नोड्स। तो माइनस एल प्लस एल कैंसल, एन माइनस वन इज योर आंसर, दैट इज नथिंग बट टोटल नोड्स। ओके तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको पूछा गया है 4D के आपको पूछा गया है रेडियल नोड्स कितने हैं, रेडियल नोड्स कितने हैं, तो आप रेडियल नोड का फॉर्मूला लगाओगे n माइनस एल माइनस वन, तो n आ जाएगा 4। ओके डी है, डी के लिए l कितना आता है 2 और वो 1 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा भाई 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यस और नो। और मैंने वो बताया था पता है डी में से रेडियल नोड स्टार्ट होते हैं, तो 3D 4D 5D 3D के सामने 0, 4D के सामने 1, 5D के सामने 2, आया 4D 1, आया कि नहीं आया 1, डन। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये रहा देखो P2P से स्टार्ट हो रहा है, तो 2P में 0, फिर 1, फिर 2, फिर S जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 1, 2, याद आया है ना। तो रेडियल नोड्स सिर्फ डी ऑर्बिटल्स जब होते हैं, जब मतलब कि 3D से स्टार्ट हो गए रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स 2P से स्टार्ट हो गए, है ना, दिस इज द थिंग। सो फाइनली हमें मिला रेडियल नोड्स मिला, कितना मिला भाई 1, और वैसे एक दूसरा नोड्स होता है दैट इज एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो होता है एल जितना, तो डी है, डी में एल कितना है 2, तो एंगुलर नोड्स हो गया 2, तो 2 प्लस 1 टोटल नोड कितना हो गया 3। अगर डायरेक्ट फाइंड करना है टोटल नोड तो एन माइनस 1 फॉर्मूला, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, टोटल नोड 3, एंगुलर नोड्स 2 और रेडियल नोड्स 1। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, और कोई भी ऑर्बिटल्स आ सकता है, जैसे मैंने 4D लिया वैसे 5D 6C 6D 7F कुछ भी आ सकता है, आपको वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, टेल मी फास्ट। गुड, नाउ समझते जाना एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। सो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड स्लोली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज एज फॉलो। जैसे कि 1s से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा 2s2p का, 2s2p से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगा 3s3p 3d का, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है एनर्जी बढ़ता जाता है। बट यहाँ पे देखा, ध्यान देना, मैंने अभी ऐसा एक बात किया था, मैंने अभी 3d एंड 4s की एक बात की थी, याद है आपको, 4s में टोटल n प्लस एल 4 हो रहा था और 3d में 5 हो रहा था, मैंने बोला था 3d का एनर्जी ज्यादा है, लेकिन वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए, किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। बट ये हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही डिसाइड होता है,
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 2 है तो 2s हो या 2p, दोनों का एनर्जी सेम रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 3 है तो 3s हो या 3p हो या 3d हो, तीनों का एनर्जी सेम रहेगा। दैट इज सोन इन द फिगर। देखो आपको यहाँ पे एक फिगर में बताया गया है, बताया गया एनर्जी 1s, 1s से 2s एंड 2p का ज्यादा है, तो 2s 2p, 2p में तीन डॉट्स है, मतलब तीन लाइन है, मतलब तीन टाइप्स होते हैं 2p के, और एक ही लेवल पे, एक ही लेवल मतलब एनर्जी बता रहा है सेम, और जैसे ऊपर जा रहे हो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो उससे ज्यादा एनर्जी किसका है 3s 3p एंड 3d का, लेकिन एक ही लेवल पे मतलब कि 3s 3p एंड 3d का एनर्जी सेम है। 3d में पांच लाइन बताई गई है, 1 2 3 4 5, बता रहे हैं कि पांच ऑर्बिटल्स के टाइप होते हैं d के। पहला डायग्राम समझ में आया, यस और नो कमेंट करो फटाफट से। सो ऑल द शेप ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, एन इलेक्ट्रॉन हैव अ सेम एनर्जी व्हेन इट इज इन अ 2s एंड 2p ऑर्बिटल। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स में है तो एनर्जी सेम रहेगा। When it is present in 2s and 2p, the orbital having the same energy called degenerate orbitals. ऐसे orbitals जिसके पास same energy है उनको बोलेंगे degenerate orbitals. And 1s orbital in a hydrogen atom, as said earlier, corresponds to the most stable condition is called ground state. And electron residing in this orbital is the most strongly held by the nucleus. Okay? जो सबसे lowest energy होता है, जैसे hydrogen में सबसे lowest energy है 1s का, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो हम उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड। हाइड्रोजन के लिए ही बात कर रहे हैं अभी, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? सबसे लोएस्ट एनर्जी में, वो कौन सी है? 1s। तो जब 1s वाली स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और उसमें मैक्सिमम स्ट्रांगली हेल्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन किसके साथ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पावर होता है पॉजिटिव, इन शॉर्ट चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होकर रहेगा कौन? इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। An electron in 2s 2p is higher orbital of in a hydrogen atoms and that is nothing but excited state. उसको हम बोलते हैं excited state, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1s orbitals में से, देखो this is the ground state, lowest energy, excited होकर दूसरे state में जाता है, energy बढ़ जाता है 2s and 2p में जाता है तब, तो higher energy state को हम excited state बोलते हैं। जैसे कि screen is not visible, only two people. ओके, लीव एंड अगेन ज्वाइन, है ना? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम लीव द मीटिंग एंड अगेन ज्वाइन। ओके, सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अब हाइड्रोजन से हटके कोई अदर इलेक्ट्रॉन में जाते, बट उससे पहले मैं बात कर दूं कि अगर आप अपने होम पे हो, घर पे हो, तो आपके पास मिनिमम पैसा रहता है, पॉकेट मनी कम रहता है, मिनिमम, दैट इज द स्टेबल वन, है ना? घर पे हो, कोई टेंशन नहीं है, स्टेबल वन। बट अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मनी देता है, आपका एनर्जी बढ़ जाता है और आप घूमने जाते हो, तो यू आर इन एक्साइटेड स्टेट। लाइक वाइज इलेक्ट्रॉन अगर अपने लोएस्ट एनर्जी वाले स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट, होम स्टेट उसका, और जब वहां से एनर्जी बढ़ता है, अनदर हायर एनर्जी लेवल वाले स्टेट में जाता है, देन इट इज अ एक्साइटेड स्टेट। ओके, सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अनलाइक द हाइड्रोजन एटम, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट ऑल्सो ऑन एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर, है ना? सेल जो डिफाइंड होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और सब सेल लाइक पी डी एफ डिसाइड होता है एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर से। तो देखो, मैंने हमने बात किया भाई हाइड्रोजन में सिर्फ एन पे डिपेंड है, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन एटम एन प्लस एल पे डिपेंड है, दैट इज फॉर गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस पी डी एफ ऑल हैव अ डिफरेंट एनर्जीज within a given principal quantum number, the energy, okay, अगर आपका principal quantum number fix है 1s, 2s, मान लो 4s, 4p, 4d and 4f, देखो principal quantum number same है, but फिर भी energy अलग होगा, और energy कैसे increase होगा? s, p, d, f, s से ज्यादा होगा p का, p से ज्यादा होगा d का, d से ज्यादा होगा f. For higher energy levels, there is a this difference are sufficiently pronounced and staggering of the orbital's energy must results. Staggering of energy must results मतलब कि degenerate orbitals था आगे degenerate orbitals मतलब जिनका energy same रहता है, but यहाँ पे staggering मतलब energy separate हो जाना, और इसीलिए मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक example मैंने लिया था, याद है ना 4s and 3d का, 3d में n plus l होता है 5 और 4s में n plus l होता है 4, इसलिए 3d का energy ज्यादा रहेगा किसका? 4s से। ऐसे ही अगर आप कंपैरिजन करो n प्लस l के वैल्यू से, तो 5d का ज्यादा रहेगा 6s से, भले ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6s का ज्यादा है, है ना? बट द वैल्यू ऑफ l इज मोर, n प्लस l इज मोर फॉर 5d एंड 6s,
सॉरी इन कंपेयर टू 6s, दैट्स व्हाई 5d का एनर्जी ज्यादा रहेगा. लाइक वाइज 4f का एनर्जी कम रहेगा किससे, 6p से. यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन n प्लस l, n और l का वैल्यू लेके, n तो सीधा ही मिल जाता है 6, 4, 5 एंड 6, और l के लिए, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, l के वैल्यू, एंड यू विल परफॉर्म एंड कंक्लूड. द मेन रीजन फॉर हैविंग अ डिफरेंट एनर्जी इज सब सेल इज नथिंग बट म्यूचुअल रिपल्सन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. हाइड्रोजन में एनर्जी का डिफरेंस नहीं था, ओके, हाइड्रोजन में एनर्जी का डिफरेंस नहीं था. अदर देन हाइड्रोजन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में आ गया. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं था. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिपल्सन फोर्स होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ. और वो एनर्जी डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डायग्राम में. यू कैन सी, देखो 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p का उससे ज्यादा है, 2p का उससे ज्यादा है. और हाइड्रोजन के कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में देखे तो 2s कम हो गया. ये हाइड्रोजन का लेवल था एनर्जी, उसके कंपेयर में 2s बढ़ गया और 2p वही रहा. यहाँ पे आगे जाते हैं तो यू कैन सी 3s 3p 3d सेम था हाइड्रोजन के लिए, बट अदर एटम्स के लिए 3s नीचे आ जाएगा, 3p उससे ऊपर, और 4s जो उससे ऊपर होने वाला था वो नीचे आ गया और 3d 4s से बढ़ गया. सो दिस इज द स्टैगर्ड मैनर, है ना, स्टैगर्ड बोलते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंज होना, दैट इज द स्टैगरिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स. हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, है ना, बातें बिल्कुल लॉजिकली है, अच्छे से पढ़ना, बार बार रिविजन करना, तब समझ में आ जाएगा. गुड, चलो. द ओनली इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शंस प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन था और बाकी न्यूक्लियस था, तो वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन ही था, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. बट इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिसाइड द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज ऑलवेज देयर, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट्स व्हाई, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस अट्रैक्शन इज देयर, बट रिपल्सन टर्म्स बिटवीन एवरी इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम. वहां पे रिपल्सन भी रहता है जो इलेक्ट्रॉन्स अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी वजह से. दस स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इज बिकॉज टोटल अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्सिव इंट्रैक्शन. तो आप बोलोगे सर अट्रैक्शन भी है रिपल्सन भी है तो स्टेबल कैसे हुआ? तो जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है और रिपल्सन कम है, इसीलिए अट्रैक्शन की वजह से वो स्टेबल हो जाता है. आप स्टेबल कब होते हो, किसी भी जगह पे टिके कब रहते हो, पढ़ने कब बैठते हो, ज्यादातर आपका अट्रैक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स इट. आप ज्यादातर बैठ के टीवी देख सकते हो, क्यों स्टेबल क्यों हो गए उस कंडीशन में, बिकॉज आपका अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द टीवी, है ना, कोई फेवरेट मूवी चल रहा हो, आप ज्यादातर बैठ के पबजी खेल सकते हो, गेम खेल सकते हो, ये सारी बातें हो सकती है. लेकिन आप ज्यादातर बैठ के 1-1 आवर्स 2-2 आवर्स पढ़ नहीं सकते. वाई? रिपल्सन इज मोर, है ना, रिपल्सन है तो हमें अट्रैक्शन क्रिएट करवाना है भाई टूवर्ड्स दी अवर सिलेबस, टूवर्ड्स दी अवर गोल एजुकेशन. ओके, सो मोर अट्रैक्शन विल मोर अट्रैक्शन देन द रिपल्सन विल गिव यू स्टेबलाइज सिस्टम, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में आ रहा है. इन जनरल द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विद द इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल आर मोर इम्पोर्टेंट. अब देखो आउटर सेल और इनर सेल ऐसे अलग अलग सेल्स हो गए, है ना, 1s इनर माना जाता है, 2s आउटर माना जाता है, 2p उससे आउटर माना जाता है, है ना. या तो फिर एक काम करते हैं, 1s 2s 2p एक ही सेल में आते हैं, फिर 3s 3p 3d एक ही सेल में आते हैं. सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर चेंज नहीं होगा तो सेल चेंज नहीं होगा. तो इनर एंड आउटर सेल जो नजदीक के सेल है उनको ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा और जो बाहर के सेल है उनको कम अट्रैक्शन लगेगा, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. देन ऑन द अदर हैंड द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज जेडी ऑन अ न्यूक्लियस. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, अब अच्छे से समझना, जो न्यूक्लियस के नजदीक के इलेक्ट्रॉन हो गए उनको ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हो गए उनको कम अट्रैक्शन लगेगा, है ना. आपकी क्लास लगती हो जब स्कूल ओपन हो वगैरह, तो जो फर्स्ट बेंचेस पे बैठा हुआ है वो न्यूक्लियस से नजदीक है, न्यूक्लियस यानी आपके टीचर, और जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है वो आप इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से नजदीक है तो हिलेगा भी नहीं, बट जो लास्ट बेंच वाला है वो अंदर अंदर कर सकता है मस्ती. क्यों? अट्रैक्शन कम है, इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वहां पे नहीं जा रहा है ड्यू टू द डिस्टेंस इज मोर. एंड दैट्स वाई यहां पे क्या बोला गया है, लाइक वाइज सेम लॉजिकली
ऑन दी अदर हैंड एट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. अगर आप न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओ तो इंट्रैक्शन बढ़ेगा. और यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ इनर सेल, यहाँ पे अंदर के सेल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आउटर सेल विल नॉट गेट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज. आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा. बट समझ लो कि समहाउ आपकी स्कूल में इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं, मतलब क्लास में आगे की बेंचेस होती है 5-6 वाले जो स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई है, सिर्फ पीछे की 2-2 बेंचेस के स्टूडेंट्स रखे गए, तो क्या अब वो मस्ती करेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप बोलोगे ना. क्यों? क्योंकि अब वो क्लियरली अट्रैक्शंस में आ गए. तो उनका अट्रैक्शन कम किसकी वजह से हो रहा था पहले के केस में? आगे की बेंचेस पे जब स्टूडेंट्स आ गए थे तब, यानी कि इनर ऑर्बिटर्स में जब इलेक्ट्रॉन आ गए थे तब की वजह से पीछे के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जा रहा है. देन सो द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन. अब जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, न्यूक्लियस यानी मैं टीचर, वो पीछे की बेंचेस पे देखने का ट्राई करते हैं, लेकिन इन बिटवीन कौन आ जाएंगे? इनर ऑर्बिटर्स आ जाएंगे. इसीलिए स्क्रीनिंग जो है, मतलब कि जो पूरा फोकस है वो पूरा नहीं हो पाता है लास्ट बेंचेस अप टू. देन सो दिस इज द थिंग, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन पे न्यूक्लियस का पूरा इफेक्ट नहीं जा पाता है, जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट. एंड ऑल्सो दिस इज नॉन ए सील्डिंग इफेक्ट, इसको भी हम सील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो पूरा सील्ड हो गया है किससे, इनर ऑर्बिटल से. सील्डिंग ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाई द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग हो गया किससे, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से, है ना. ओके, एंड दैट्स वाई द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाई द आउटर इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव. वो एग्जैक्टली जेड ई जितना चार्ज नहीं एक्सपीरियंस करेगा, वो उससे कम जेड इफेक्टिव ई जितना चार्ज फील करेगा. कौन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. एक और बार समझा देता हूँ, एक अनदर एग्जाम्पल देता हूँ. मानो कि आपकी स्कूल में 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, बड़ा सा एक ग्राउंड है, उसके अंदर आपका कोई फेवरेट एक्टर आया है. अब जिस क्लास को टीचर ने पहले छोड़ा होगा, है ना, मानो कि नरेंद्र मोदी आए, बिग फैन एवरी बच्चा, है ना, तो नरेंद्र मोदी सर आए हैं, वो बैठे हैं ग्राउंड में. देन अब एक एक क्लास को छोड़ा जा रहा है डिसिप्लिन में. तो जो क्लास पहले है ना, ये है अपने मोदी जी, ओके, और जो क्लास पहले छूटेगा वो ऐसे उनके अराउंड ऐसे सर्कल बना देगा, फिर दूसरा क्लास छूटेगा वो ऐसे सर्कल बना देगा, फिर तीसरा, ऐसे हमारे पास 4,000 बच्चे हैं, है ना, बराबर भाई, ऐसे सर्कल बनते गए. तो बोलो मोदी जी का पूरा का पूरा स्क्रीनिंग कौन कर पाएगा? भाई मोदी जी ने कौन से कलर के क्लोथ पहने हैं, मोदी जी ने कैसे हेयर सेट किया है, वो स्क्रीनिंग कौन कर पाएगा, ए इलेक्ट्रॉन या ए वाला सी इलेक्ट्रॉन? बोलो ए. क्यों? क्योंकि ए नजदीक है तो उसमें सबसे ज्यादा, और ए सी को है ना कुछ कुछ दिखेगा, मतलब कि मोदी जी ने स्पेक्स पहने हैं वो दिखेगा, तो हेयर नहीं दिखेगा पूरा, अगर हेयर दिखेंगे तो फेस नहीं दिखेगा, यस और नो, जो आउटर में है वो. कहने का मतलब ऐसा है कि मोदी जी जो है वो सील्ड हो गए इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से, है ना. तो बात यही होती है कि न्यूक्लियस इज सील्डेड फॉर आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए अगर अंदर का चार्ज जेड ही है न्यूक्लियस का, तो भी आउटर में तो उससे कम ही मिलेगा जेड इफेक्टिवली. सो अप टू नाउ का कंक्लूजन, किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो फटाफट से, टेल मी फास्ट.